हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग शांता गुणांग के बारे में आज हम लोग दोस्तों विस्तार रूप से पढ़ेंगे और शांता गुणांग के सूत्र का आज निगमन करेंगे और देखेंगे इस पर कौन सा बिंदु डिस्कस हो जाता है इसी क्लास में। तो शांता गुणांग जो है दोस्तों, शांता गुणांग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर आइजक न्यूटन द्वारा दी गई थी। जैसा कि दोस्तों एक स्टूडेंट पूछा था कि सर ये जो न्यूटन हैं, सर आइजक न्यूटन, इनका नाम सर आइजक न्यूटन कैसे पड़ा? तो दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। सर आइजक न्यूटन है, इनके आधार पर कुछ तथ्य ऐसे हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि आप सुनिए आप लोग ध्यानपूर्वक, ओके। जैसा कि इनके पिताजी का नाम था सर आइजक न्यूटन। क्या? सर आइजक न्यूटन। और इनके पिताजी किसी बिंदु पर क्या कर रहे थे? रिसर्च कर रहे थे। लेकिन ये बाल्यावस्था में कुछ ऐसे चीज़ों का क्या किए, जानकारी एकत्रित करके अपने पिताजी को क्या किए, साक्ष्य करवाएं उस बिंदुओं से। तो उनके पिताजी नाम था, उनके पिताजी का नाम था सर आइजक न्यूटन। तो उनके पिताजी ने अपने पुत्र का नाम रखा न्यूटन। क्या? न्यूटन। तो धीरे धीरे इतनी ढेर सारी चीज़ों का क्या किए, उत्पत्ति किए। बहुत ज़्यादा ऐसे बिंदु थे जिनके बारे में आप पढ़ेंगे आगे चल करके। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट तथ्यों क्या किए, विचार करते हुए और विचार विमर्श करते हुए इन्होंने ये बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज क्या उनकी और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की खोज क्या उनकी। ऐसे ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, इनको लोगों ने देखते हुए धीरे धीरे इनका नाम रख दिए क्या, सर आइजक न्यूटन। सेम जैसे इनके पिताजी का नाम था सर आइजक न्यूटन, वैसे इनका भी नाम पड़ गया क्या, सर आइजक न्यूटन। बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है। तो आज हम लोग देखते हैं शांता गुणांग। क्या? शांता गुणांग। शांता गुणांग के बारे में यदि देखा जाए तो न्यूटन ने ऐसे दो तथ्यों पर विचार करने की बात कही थी। जैसे कि मान लीजिए कि दो ऐसे तत्व थे जिनको, जैसे कि मान लीजिए धारा का प्रवाह होगा तो धारा रेखीय प्रवाह होगा, और ये जो धारा रेखीय प्रवाह है ये दो निम्न कारकों पर क्या करेगा, निर्भर करेगा, और वो हम लोग क्या करेंगे, निम्न दो कारक क्या करेंगे, समझेंगे। ओके, जैसा देखा जाए दोस्तों निम्न दो कारक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए, तो आज का टॉपिक है दोस्तों शांता गुणांक। क्या? शांता गुणांक। शांता गुणांक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आप समझिएगा। लेकिन सर्वप्रथम मैं इसके बारे में कुछ ऐसे तथ्य को लिखना चाहता हूँ जो आपको मैं समझाऊँ उसमें। ओके, न्यूटन के अनुसार धारा रेखी प्रवाह, क्या, धारा रेखी प्रवाह के लिए, धारा रेखी प्रवाह के लिए, क्या, धारा रेखी प्रवाह के लिए द्रव की, क्या, द्रव की किन्ही। अब इसके आगे देखिए, किन्ही दो परतों की मध्य लगने वाला, क्या, लगने वाला बल, क्या, लगने वाला बल। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं लगने वाला स्यान बल। क्या? स्यान बल। क्या? स्यान बल, लगने वाला स्यान बल निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। ओके, अब इसी के आगे हम लोग लिखते हैं, तब उसके बाद पुनः क्या करते हैं, इसको विस्तार रूप से समझते हैं। ओके, तो जैसा कि इसके आगे फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
यह बल क्या? यह बल पर तो, यह बल पर तो के संपर्क क्षेत्र फल ए के अनुक्रमानुपाती पाती अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है क्या? होता है अर्थात क्या? अर्थात, अब समझिए यहाँ पर अर्थात का प्रोसेस है, हो जाएगा यफ प्रोपोर्शनल क्या? यफ प्रोपोर्शनल ए इक्वेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, ये इक्वेशन क्या हुआ मेरा? फर्स्ट बना। अब इसी का आगे फिर पुनः समझिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा, जैसा कि सेकंड पॉइंट इसका देखा जाए, सेकंड पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, अमल करते हैं। यह बल परतों के बीच क्या? परतों के बीच, यह बल परतों के बीच वेग प्रवणता क्या? वेग वेग प्रवणता डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती वाई के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती डेल्टा वी बाई वाई के अनुक्रमान डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई के अनुक्रमानुपाती के अनुक्रमानुपाती होता है क्या? अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, अब इसके आगे देखिए, अर्थात यहाँ पर भी लगा सकते हैं, अर्थात अर्थात यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगा दोस्तों, यफ प्रोपोर्शनल डी वी बाई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। ओके, इक्वेशन क्या हो गया दोस्तों? सेकेंड। अब इसी दो इक्वेशन को हम लोग लेकर क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप समझिए, आप समीकरण एक तथा समीकरण दो। ओके, समीकरण एक तथा समीकरण दो से। अब इसके आगे समझिए, इसके आगे क्या प्रोसेस होने वाला है? तो यहाँ पर ये होगा दोस्तों कि ये बल यफ क्या हो जाएगा मेरा? एक साइड हो जाएगा बल यफ प्रोपोर्शनल, ये प्रोसेस ए डेल्टा वी बाई क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट क्या करेगा? उपस्थित होगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस ईटा उपस्थित होगा क्या? प्लस माइनस ईटा। और ईटा जो है प्रोसेस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ईटा इस प्रकार बनेगा दोस्तों, इस प्रकार बनेगा। तो ईटा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों थीम में रहेगा, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की स्थिति में रहेगा। ओके, अब इसके आगे देखिए, ये प्रोसेस हो गया, तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि यफ प्रोपोर्शनल को, जो यफ है यफ को यफ ही रखेंगे, प्रोपोर्शनल के स्थान पे मेरा एक कांस्टेंट कार्य करेगा जो प्लस माइनस ईटा डेल्टा वी ए बाई क्या? डेल्टा वाई हो जाएगा। क्यों? यही होगा। तो ये मेरा क्या है, एक सूत्र का क्या हो गया? निगमन हो गया। और यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं इसका, यानी कि ईटा एक नियतांक है। ओके, ईटा एक क्या है मेरा? नियतांक है। अब इसको हम शुरू समझते हैं, फिर उसको आपको क्या करता हूँ मैं समझाता हूँ। इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, क्योंकि ये सभी तथ्य इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि ये श्यांता जो है आपको आने वाले कुछ ऐसे तथ्यों पर मदद देगा। जो श्यांता मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आने वाले तथ्यों पर आपको क्या बिंदुओं पर मदद मिलेगी, यानी कि इसको आप पढ़े रहेंगे तो उसको करने में क्या होगी? सुविधा होगी। जैसा कि इसको यदि समझाया जाए दोस्तों, तो ये इस प्रकार हो जाएगा, न्यूटन के अनुसार धारा रेखी प्रवाह के लिए, धारा रेखी प्रवाह के लिए द्रव की
किन्हीं दो परतों के मध्य लगने वाले स्यान बल को निम्न दो कारकों पर क्या होता है, निर्भर करता है। ओके, निम्न दो कारकों पर क्या करता है, निर्भर करता है। ओके, दो कारकों पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक, तो यहाँ पर पहला कारक ये कहता है कि यह बल परतों के संपर्क क्षेत्रफल ए के अनुक्रमानुपाती रहेगा। जो बल लगेगा स्यान बल, यह परतों के संपर्क क्षेत्रफल ए, यह बल जो लग रहा है ये स्यान बल है जो परतों के संपर्क क्षेत्रफल ए के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यफ प्रोपोर्शनल ए होता है। ओके, अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट ये कहता है यह बल परतों के बीच, कौन सा बल, स्यान बल, यह बल परतों के बीच वेग प्रवणता जो मेरा वेग है उसका प्रवणता डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यह प्रोपोर्शनल डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई। इसको मैंने इक्वेशन क्या माना, सेकेंड मारा, और यहाँ समीकरण एक व समीकरण दो को सॉल्व करने पर यहाँ पर प्रोसेस ये हो जाएगा। देखिए अब यफ प्रोपोर्शनल ये प्रोसेस रखा एक साइड, वन यफ यफ को मैंने एक साइड रखा, प्रोपोर्शनल मध्य में रखा, फिर ये पद और ये पद दोनों को साथ में रखा। जब यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी कि जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट कार्य करेगा, जो कांस्टेंट मेरा क्या है, प्लस माइनस ईटा, क्या ईटा, ईटा को हम लोग नियतांक मान रहे हैं। ओके, अब इसी का कुछ ऐसे तत्व पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और मुद्दा यहाँ पर हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। ओके, जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, देखिए ये कह सकते हैं कि प्लस माइनस का अर्थ है क्या, प्लस माइनस का अर्थ क्यों है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्लस माइनस का अर्थ है, प्लस माइनस का अर्थ है बल दोनों परतों के बीच अन्योन्य बल है, क्या अन्योन्य बल है। ओके, जब अन्योन्य बल रहेगा तो इसका अर्थ ये होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हट जाएंगे, जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हट जाएंगे तो यफ प्रोपोर्शनल तो रहेगा नहीं, प्रोपोर्शनल तो रहेगा नहीं, यफ बराबर ईटा डेल्टा वी बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई, क्या डेल्टा वाई हो जाएगा, यहाँ पर समझिए आप थोड़ा, डेल्टा वाई ए। ओके, ये मेरा हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो दोस्तों तो इसके आगे मेरा ईटा का यानी कि श्यानता गुणांक का मान क्या करना हमको निकालना है, तो इसको हम लोग ग्राफ करते हैं फिर उसके आगे समझते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ईटा का मान निकालना है, तो इसको हम लोग एक लाइन और लिख लेते हैं, जैसे कि यफ ईटा डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई ए है, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका इसमें, यानी कि यफ डेल्टा वी, सॉरी डेल्टा वाई, क्या डेल्टा वाई बराबर ईटा डेल्टा वी ए हो जाएगा। तो ये देखिए गुणे में इतना पूरा प्रोसेस, इसको यहाँ बटे में भेज देंगे तो ये हो जाएगा, मेरा ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाएगा यफ डेल्टा वाई बराबर बटे डी वी ए, क्या डी वी ए बराबर क्या ईटा, यही होगा। जब ईटा बराबर हम लोग लिखेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, ईटा बराबर क्या हो जाएगा यफ बटे ए, इस प्रकार डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वी। तो हमको ये लिखना है कि ईटा बराबर यफ बटे क्या, यफ बटे ए, क्या यफ बटे ए डेल्टा वी बाई, क्या डेल्टा वी बाई ये वाई है, डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई,
ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये बटे में है, ये इसके बटे में एक मानेंगे, फिर पुनः वही प्रोसेस आ जाएगा। तो ये मेरा सूत्र का क्या हुआ, निगमन हुआ। और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि जब ये मेरा सूत्र का निगमन हो गया तो इसका जो है प्रोसेस यम के एस पद्धति में, क्या यम के एस पद्धति में, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं रफ करता हूँ नीचे वाला, तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट तथ्य है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि इसका एसआई मात्रक, क्या एसआई मात्रक छोड़, ये पहले हम लोग क्या यम के एस पद्धति देखते हैं, यम के एस पद्धति, क्या यम के एस पद्धति, यम के एस पद्धति में मात्रक, ओके, जो इसका एम के एस पद्धति में मात्रक होगा दोस्तों, वो पद्धति जो मात्रक है दोस्तों, एम के एस पद्धति में मात्रक हो जाएगा केजी, ओके, प्रति मीटर सेकंड, ओके। अगर इसी को हम लोग सीजीएस में देखें, क्या सीजीएस, सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं कि मात्रक पॉइंट, क्या पॉइंज, ओके, ये जो पॉइंज है दोस्तों, अगर हम ये कहें कि एक पॉइंज बराबर, क्या एक पॉइंज बराबर हो जाएगा 1/10 kg, ओके, 1 पॉइंज बराबर 1/10 kg मीटर प्रति सेकंड, ओके, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो आपसे यदि यहीं पर एक प्रश्न ये उठ जाए कि ये बताइए कि जो एक पॉइंज है, क्या जो एक पॉइंज है, यदि इसी को 10 पॉइंज बराबर देखा जाए तो ये हो जाएगा मेरा 10 पॉइंज बराबर, 10 पॉइंज बराबर हो जाएगा एक डे का पॉइंज, ओके, एक डे का पॉइंट हो जाएगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर इसी को मैं, ये जो चल रहा है प्रोसेस, यदि इसी को मैं ये कहूँ कि इसकी बीमा क्या होगी दोस्तों, तो आप सिंपल से कह सकते हैं, देखिए अगर मान लीजिए कि इसकी बीमा निकालना हो तो इस प्रकार आप लोग निकालिएगा, एकदम नॉर्मल रूप से, बहुत सिंपल तरीके से देखिएगा ध्यानपूर्वक, ओके, आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग बताइएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा साथ में मेरे। तो यहाँ पर मैं देखूँ क्या मेरा पॉइंट था, ये देखिए ध्यान से, पॉइंट मेरा ये था कि ईटा बराबर फार्मूला निकला था, राइट, क्या फार्मूला निकला था, एफ बटे ए डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, यही था, यही मेरा पॉइंट था, राइट। जब ये हो गया तो इसको मैंने क्या किया, ये आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आई बात गई समझ में। अब इसके बाद क्या होगा, मैं इसको समझाता हूँ। तो यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों, तो इसकी बीमा जो प्रोसेस है उस पर हम लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं। जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ईटा है तो ईटा को मैं ईटा ही रखूँगा, यफ की बीमा क्या होती आप पूर्ण रूप से जानते हैं, यम एल टी माइनस टू होती है, यम एल टी माइनस टू होती है, इतना सभी लोग जानते हैं, बटे एरिया क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी, लंबाई इंटू चौड़ाई, उसका बीमा हो जाएगी एल स्क्वायर, क्यों यही होगा, वेरी गुड। और वेग का क्या होता है बीमा, आप जानते हैं क्या, यम हम ये कह सकते हैं एल बाई टी, यानी कि एल टी माइनस वन, वेग की बीमा यही होगी, राइट, एल टी माइनस वन बटे हो जाएगा वाई, यानी कि ये जो डी है डेल्टा वाई है, क्या डेल्टा वाई है मेरा प्रोसेस, यहाँ पर आप लोग समझिए क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोसेस है इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। अब जैसे कि यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा, डेल्टा वाई का क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई का आप जानते हैं कि एल की वैल्यू जो प्रोसेस है वो समस्या हो जाएगी कि एल का मान कुछ नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, उसको ऊपर लेते जाते हैं, यम एल टी माइनस टू, इसको ऊपर ले जाते हैं, ये वाला प्रोसेस एल स्क्वायर
यल टी माइनस वन और यल माइनस वन, यही होगा। तो ये प्रोसेस दोनों, ये और ये क्या हो, कैंसिल आउट हो जाए, किसलिए इसकी घात वन है तो ये कैंसिल आउट, बचा क्या वन, इसको इससे हम कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ये क्या यम टी माइनस टू टी माइन प्लस वन, ओके इतना हो जाएगा। तो ये ईटा बराबर क्या हो जाएगी यम, ये घट जाएगा, एक यल बचा है इसको भी यल लिख लीजिए यहीं पर, यल, इतनी बात क्लियर, यल है यल। तो यहाँ पर मेरा प्रोसेस ये हो जाएगा, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ये कट गया था, ये प्रोसेस कट गया, यहाँ एक यल बचा तो ऊपर इसको लेते गया तो मैंने ये माइनस वन हो जाएगी, यहाँ पर भी माइनस वन, तो यहाँ पर बचेगा क्या टी माइनस वन, क्या टी माइनस वन, ये प्रोसेस क्लियर हुआ। जब ये आ गया मेरा, तो ये मेरा बीमा कहलाए, क्या बीमा, क्योंकि यम यल माइनस वन टी माइनस वन हो जाएगा, ओके दोस्तों। तो जब ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया, तो इसके बाद कुछ ऐसे तत्व हैं जिन पर हमको क्या करना है, विस्तार रूप से क्या करना है, समझना और डिस्कस करना है, ओके। तो ये पॉइंट हमारा रहा क्या श्यानता गुणांक पर, क्या श्यानता गुणांक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, उसको आप लोग विशेष रूप से पढ़िए और डीप रूप से पढ़िए, कहीं भी किसी प्रकार को आपको दिक्कत आ रही हो तो आप लोग क्या करिए, कमेंट करिए, नहीं कमेंट कर सकते तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हूँ, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, उस पर कॉल नहीं लगेगा क्योंकि उस पर सिर्फ व्हाट्सअप चलाया जा रहा है, और कॉल करने के लिए मैंने उस दिन आपको नंबर भी दिया था, उस पर आप क्या करिए कॉल करिए। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप लोग बताइएगा, हमसे संपर्क करिएगा, मैं आपकी समस्या को क्या करूँगा, हल करूँगा, ओके। तो आज हमारा शांता गुणांक क्या हुआ, समाप्त हुआ। आने वाले क्लासों में हम लोग क्या करेंगे और नए तथ्यों पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।